Hello everyone, so today we are going to start another new chapter nitric acid. तो स्टार्ट करते हैं इसका कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज से. तो नाइट्रिक एसिड का यू नो द फॉर्मूला HNO3. तो इसका कुछ बेसिक प्रॉपर्टी में अगर कलर का बात किया जाए तो प्योर फॉर्म में अगर एसिड है तो उसका कलर होता है कलरलेस. और आपका ऑर्डर अगर बात किया जाए तो सफोकेटिंग होता है. और टेस्ट एज यूजुअल सावर सार इन टेस्ट होता है, बिकॉज एसिड का आपको पता है टेस्ट सार इन टेस्ट होता है, तो ये भी आपका टेस्ट सार होगा. और सॉल्युबिलिटी हाईली सॉल्युबल इन वाटर, जैसे आपका अमोनिया था, HCl था, ये भी हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है. और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी, हाईली कोरोसिव इन नेचर. इस ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव इन नेचर होता है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कोरोसिव इन नेचर होता है. इसके बाद इसको इनिशियली हम लोग एक्वा फोर्टिस बोलते थे. क्यों बोलते थे एक्वा फोर्टिस? एक्वा फोर्टिस का माने होता है, मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग वाटर. बिकॉज ऑफ इट्स हाईली कोरोसिव इन नेचर, इसको पहले एक्वा फोर्टिस या स्ट्रॉन्ग वाटर के नाम से भी जाना जाता था, बिकॉज ऑफ इट्स हाईली कोरोसिव एक्शन ऑन द मेटल. अच्छा, अगर मॉलिकुलर वेट की बात किया जाए तो HNO3 का मॉलिकुलर वेट कितना निकलेगा? हाइड्रोजन का 1 होता है, यू नो 14 आपका नाइट्रोजन का हुआ, एंड देन ऑक्सीजन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का 16 होता है इंटू 3, दैट इज नथिंग इज इक्वल्स टू, अगर इसको ऐड करते हैं 1 + 14 + 40 6 3 कितना 48, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 63. AMU ये रखिए या ग्राम रखिए. सो दिस आर द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड. लैबोरेटरी प्रिपरेशन देखते हैं तो रिएक्टेंट्स स्टार्ट करते हैं. हमारा रिएक्टेंट्स क्या क्या है? सोडियम और पोटासियम नाइट्रेट एंड कॉन्केस्टोसोफोर. सोडियम नाइट्रेट मतलब क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट और पोटासियम नाइट्रेट KNO3. इस सबको हम, ये दोनों को हम रिएक्ट अगर कराते हैं H2SO4 से तो हमारा क्या होता है? आपका HNO3 बनता है. तो रिएक्टेंट क्या है? चाहे तो आप सोडियम नाइट्रेट लीजिए या पोटासियम नाइट्रेट ले लीजिए, उसका रिएक्शन होगा H2SO4 से, ठीक है. चलिए एक और याद रखिएगा, सोडियम नाइट्रेट को हम लोग चिली सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं, उसका एक कॉमन नेम है चिली सॉल्ट पीटर. चलिए ये तो समझ में आ गए. ये एक पूरा सेटअप है आपका. यहाँ पे हम लोग सोडियम नाइट्रेट या पोटासियम नाइट्रेट का सॉलिड पार्टिकल्स लेंगे और इसमें H2SO4 को डाल दिया. क्या है? H2SO4 कॉन्क है, कॉन्क H2SO4. और इसमें सॉलिड पार्टिकल्स जो हम डाले थे वो क्या है? चाहे तो सोडियम नाइट्रेट है और पोटासियम नाइट्रेट, कोई भी एक इसमें से ले लेंगे और उसमें H2SO4 के साथ यहाँ पे बर्न करेंगे तो हमारा क्या होगा? रिएक्शंस देखेंगे. व्हेन सोडियम और पोटासियम नाइट्रेट रिएक्ट विद कॉन्क H2SO4 एंड टेम्परेचर इज लेस देन 200, यहाँ पे ये याद रखिएगा कंडीशन है. व्हाई टेम्परेचर इज लेस देन 200 इसको अलग से देखेंगे. व्हेन टेम्परेचर इज लेस देन 200 व्हाट हैपन, देखिएगा क्या होता है आपका. यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, ये नाइट्रेट के साथ NO3 के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बनाता है. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? सोडियम रहेगा, NaHSO4 क्या हो गया आपका? सोडियम बाइसल्फेट बन रहा है और आपका HNO3 यहाँ पे आपका प्रोडक्ट हो रही है, वेपर के फॉर्म में रहता है, ठीक है. उसी तरह से अगर यहाँ पे ली रिएक्शंस पोटासियम नाइट्रेट के साथ तो क्या होगा? KHSO4 ये क्या हो जाएगा? पोटासियम बाइसल्फेट एंड HNO3 इन फॉर्म ऑफ वेपर आपका बनेगा. तो ये पूरा एक केमिकल रिएक्शंस है. यहाँ से एक क्वेश्चन आता है टेम्परेचर को, वो आगे देखेंगे. सो पोटासियम नाइट्रेट और क्या है आपका? सोडियम नाइट्रेट व्हेन रिएक्ट विद कॉन्क H2SO4 व्हेन द टेम्परेचर इज लेस देन 200 इट फॉर्म सोडियम बाइसल्फेट और पोटासियम बाइसल्फेट एंड नाइट्रिक एसिड इज फॉर्म. ये आपका केमिकल इक्वेशंस हो गया. चलिए यहाँ पे ये एपरेटस में उसी तरह से देखिए, यहाँ पे दोनों रिएक्ट करके यहाँ से गैस इसमें जाएगा और फिर यहाँ पे हम एक बाहर से एक्सटर्नल सोर्स दे रहे, क्या वो जो वेपर था उसको कंडेंस करने के लिए, कूल करने के लिए. तो ये जो होता है ना कूल वेपर, कूल होके यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में यहाँ लिक्विड नाइट्रिक एसिड जमा हो जाता है. ये पूरा प्रोसेस है, इसको और देखेंगे डिटेल पर. यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, व्हाई कॉन्क H2SO4 इज यूज. अब एक एक करके क्वेश्चन आता है, कैसे कैसा देखेंगे. पहला रिएक्टेंट से क्वेश्चन आता है, यहाँ पे कॉन्क H2SO4 को क्यों यूज करते हैं? तो आप ऐसा लिखिएगा कि आपको पता है हमारा जो एक से ये सिलेबस में है H2SO4 है, HNO3 है और HCl है और अमोनिया है. तो अमोनिया को छोड़ के जो तीन एसिड है उसमें H2SO4 वॉलाटाइल नहीं होता है, नॉन वॉलाटाइल है, बाकी दोनों वॉलाटाइल होता है, ठीक है. तो आप याद रखो कि H2SO4 नॉन वॉलाटाइल है, नॉन वॉलाटाइल है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग कॉन्क H2SO4.
इस दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई नॉट यूजिंग HCl कॉन्क HCl और व्हाई वी आर यूजिंग कॉन्क H2SO4 ओनली. सो योर आंसर शुड बी H2SO4 इज नॉन वोलाटाइल, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग. तो नॉन वोलाटाइल है, अगर वोलाटाइल रहता तो यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड बन रहा है और यहाँ का जो H2SO4 अगर वोलाटाइल रहता तो वो भी वेपर के फॉर्म में आ जाता. यहाँ पे मिक्सर आपका H2SO4 और HNO3 दोनों का यहाँ पे मिक्सर चला जाता है. इस वजह से हम लोग नॉन वोलाटाइल एसिड को यहाँ पे यूज करते हैं. सो HCl को क्यों यूज नहीं करते, बिकॉज इट्स अ वोलाटाइल. वोलाटाइल रहेगा तो वेपर फॉर्म में यहाँ आ जाएगा और नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन करके यहाँ पे दोनों एक साथ कंडेंस करेगा, तो प्योर नाइट्रिक एसिड उस केस में आपका नहीं होगा. तो कुछ क्वेश्चंस कैसे कैसे और पूछता है उसको और देखेंगे. यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि हमारा जो केमिकल इक्वेशंस है उसमें टेम्परेचर को हम लोग लेस देन 200 क्यों रखते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. HCl में भी हम इसको डिस्कस किए थे, यहाँ पे फिर वही पूरा आंसर रहेगा. तो टेम्परेचर को लेस देन 200 रखने का रीज़न है, चलिए पहला रीजन है क्या कि इफ टेम्परेचर अबव 200 रहेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा. तो देखिए वही रिएक्शंस होगा आपका, जब टेम्परेचर लेस देन 200 था तो यहाँ पे बाइसल्फेट बन रहा था और ग्रेटर देन 200 होगा तो सल्फेट बनेगा. तो रिएक्शंस देखते हैं. देखिए हम लिया सोडियम नाइट्रेट व्हेन रिएक्ट विद कॉन्क H2SO4 व्हेन टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 200 व्हाट हैपन, सोडियम सल्फेट एंड नाइट्रिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ वेपर फॉर्म. उसी तरह से अगर पोटासियम रहेगा तो पोटासियम सल्फेट एंड नाइट्रिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ वेपर फॉर्म. सो नाइट्रिक एसिड तो बन रहा है, सही. प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपका जो सल्फेट बनता है, सोडियम सल्फेट या पोटासियम सल्फेट होता है ना, ये यहाँ पे हार्ड क्रिस्टल लाइक का स्टफ बना लेते हैं. यहाँ पे पूरा हार्ड क्रिस्टल आके यहाँ पे जम जाता है, जिसके वजह से फर्दर रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होता. और साथ में इस जो क्रिस्टल बनता है हार्ड, इसको आपको एपरेटस से रिमूव करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है. तो देखिए हार्ड क्रस्ट ऑफ सोडियम सल्फेट और पोटासियम सल्फेट आर फॉर्म. वो क्या करता है, विच बीइंग अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट स्टिक टू द ग्लास एंड कांट बी इजली रिमूव. चलिए ये आपका एक प्रॉब्लम होता है, सोडियम सल्फेट या पोटासियम सल्फेट एक हार्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहे जिससे फर्दर रिएक्शंस भी आपका रुक जाएगा और आपका ये एपरेटर से निकालना भी प्रॉब्लम होगा. दूसरा आपका कि अगर टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ाते हैं तो ये ग्लास का है ना, तो ग्लास को भी डैमेज हो सकता है, क्रैक हो सकता है. तो डैमेज द ग्लास एपरेटर्स इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 200, इट मे डैमेज द ग्लास एपरेटर्स. थर्ड पॉइंट देखेंगे, आपको 200 से ज़्यादा लेके जाना है तो वेस्टेज ऑफ फ्यूल तो होगा ही. और लास्ट पॉइंट अगर देखें, मे लीड टू द डिकम्पोजिशन ऑफ HNO3. जो HNO3 बनता है ना, क्या बन रहा था सर, HNO3 हो रहा था. ये अगर टेम्परेचर ज़्यादा होने से आपको डिकम्पोज हो जाता है, किस में हो जाता है, HNO3 H2O एंड O2 में इस तरह से डिकम्पोज हो जाता है. तो ये सारा प्रॉब्लम्स होता है इफ़ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 200. आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप कॉपी में पॉज करके आपको कॉपी में नोट कर लीजिए. लैबोरेटरी प्रिपरेशन से कुछ और क्वेश्चन पूछता है, तो देखते हैं यहाँ पे है एपरेटर्स जो आपका यूज देगा. देखिएगा यहाँ पे जितना एपरेटर्स है ये फुल्ली और कम्प्लीटली आपका जो है वो ग्लास एपरेटर्स है. यहाँ पे कोई कॉर्क वगैरह, कोई रबर वगैरह हम यूज नहीं कर रहे. पूछता है व्हाई द एपरेटर्स यूज इज ओनली ऑफ ग्लास. सो आपका आंसर होगा क्या कि यही देखिए, कंप्लीट एपरेटर्स इज मेड विद ग्लास ओनली. Why? Since the vapor of जो vapor बन रहा है HNO3 is being highly corrosive in nature, बहुत corrosive होता है, तो वो क्या करेगा, cork है या rubber है उसके ऊपर जाके एक layer बना लेगा oxide का और फिर वो आपको उसको corrosive nature और उसको problem create करके उसको damage कर देगा. चलिए तो उसी वजह से करता है क्या, attack करता है rubber पे और cork पे. इसी वजह से हम लोग जो पूरा apparatus है वो पूरा arrangement है, देखिए कहीं पे हम लोग cork वगैरह यूज नहीं किए और हम लोग ये पूरा ग्लास का मटेरियल से बना है, तो ये हाईली कोरोसिव इन नेचर के वजह से होता है. दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आता है कि प्योर नाइट्रिक एसिड जो होता है कलरलेस होता है, व्हाइल द कलर ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन इन द लैबोरेटरी इज स्लाइटली येलोइश ब्राउन. क्वेश्चन है व्हाई. तो लेबोरेटरी वगैरह में ड्यू टू सम टेम्परेचर और वेरिएंट टेम्परेचर क्या होता है, नाइट्रिक एसिड क्या होता है ना, आपका ब्रेक हो जाता है, नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और आपका वाटर एंड ऑक्सीजन में. और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है ना, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन. तो अब हम लोग जो लैबोरेटरी में आपका जो नाइट्रिक एसिड देख रहे हैं उसमें आपका क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी रहता है और नाइट्रिक ऑक्साइड भी रहता है, कुछ अमाउंट ऑफ
कुछ नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और वो रेडिश ब्राउन होने की वजह से वो पूरा नाइट्रिक एसिड का कलर को क्या कर लेता है, येलोइश कर देता है, क्या करता है आपको स्लाइटली येलोइश इन कलर कर देता है। सो ये था आपका पूरा क्वेश्चन जो लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड से पूछा जाता है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, लार्ज स्केल में नाइट्रिक एसिड को इंडस्ट्री में कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए हम लोग ऑस्टवॉल प्रोसेस को फॉलो करते हैं। देखिएगा एग्जाम में आपको स्कोप ऑफ द सिलेबस के हिसाब से देखोगे तो वो जो स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री जो है यही सिर्फ इसका इक्वेशंस मतलब रिएक्शंस लिखने आता है और आपको कंडीशन पूछता है, इससे ज़्यादा और आपका स्कोप ऑफ द सिलेबस में नहीं है। हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे, इतना ही नोट डाउन कर लीजिए, दैट इज एनफ। सो देखिएगा हम यहाँ पे आपको ए बी सी जो लिखे हैं ये अलग अलग एक चैम्बर है। चैम्बर ए है जो उसको हम लोग बोले कैटलिक चैम्बर, चैम्बर बी जो है वो आ रहा है आपका ऑक्सीडेशन चैम्बर, और सी जो है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन टावर या ऑक्सीडेशन एब्जॉर्प्शन चैम्बर भी बोल सकते हैं। तो स्टेप वन जो होता है कैटलिक चैम्बर, ये कैटलिक चैम्बर से नाम ही से समझ में आ रहा है यहाँ पे हम कैटलिस्ट को कैटलिस्ट रहेगा, उसके प्रेजेंस पे कोई रिएक्शंस होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो रिएक्टेंट होता है, दो रिएक्टेंट यूज़ करते हैं, कौन, देखिए अमोनिया यूज़ करें और एयर यूज़ करें। तो रिएक्टेंट क्या है, प्योर ड्राई अमोनिया एंड एयर इन द रेशियो 1:10, 1:10, 1 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया लेंगे तो 10 वॉल्यूम हम आपको क्या लेना होगा, एयर का लेना होगा। ये आपका रिएक्टेंट है, ये दोनों को हम मिक्स करते हैं कौन से चैम्बर में, कैटलिक चैम्बर में। तो रिएक्शंस क्या होता है, सो देखिए व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद ऑक्सीजन, एयर का ऑक्सीजन काम आता है, दैट्स व्हाई ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग एयर लिए, क्योंकि एयर ले रहे हैं उसका तो आपको उसमें ऑक्सीजन तो वैसे ही 20% है अप्रॉक्स, तो इस वजह से ह्यूज वॉल्यूम मतलब लार्ज वॉल्यूम ऑफ अमोनिया को ये ड्राई एयर को लिया जा रहा है। सो व्हेन अमोनिया एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट विद द टेम्परेचर ऑफ 700 to 800, व्हाट हैपन, इट कन्वर्ट इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑल्सो हीट इज रिलीज। हीट इज रिलीज मतलब आपको ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है, ये रिएक्शंस एक बार जब प्रोसीड हो जाता है फिर हमको ये जो सोर्स ऑफ हीट है, ये जो टेम्परेचर है, इसको मेंटेन करने के लिए और कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ हीट नहीं देना होगा, यही एक्सोथर्मिक का हीट जो हो रहा है यहाँ से रिलीज हो रहा है वही यूज होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है आपका, अमोनिया और ऑक्सीजन कंबाइंड करके इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम विद द टेम्परेचर ऑफ 700 to 800 कन्वर्टेड इंटू नाइट्रिक ऑक्साइड, वाटर एंड हीट इज रिलीज। ये आपका फर्स्ट स्टेप में हो गया। तो अब ये जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है इसको हम लोग सेकेंड चैम्बर में ले जाते हैं, तो सेकेंड चैम्बर में क्या होता है, ऑक्सीडेशन चैम्बर। ऑक्सीडेशन मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस हो रहा है, दैट्स वाई इस चैम्बर को ही हम लोग ऑक्सीडेशन चैम्बर बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड था उसको और एक्सेस ऑफ एयर देते हैं और टेम्परेचर को लो डाउन करते हैं। देखिए लो डाउन कितना, 50 डिग्री तक करते हैं। तो ये नाइट्रिक आपका जो ऑक्साइड था ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट किस में हो जा रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इस वजह से इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं और ये पूरे चैम्बर को ऑक्सीडेशन चैम्बर बोलते हैं। तो ये जो कहाँ हो रहा था, चैम्बर बी में हो रहा था। उसके बाद जो चैम्बर सी है आपका उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन टावर बोल रहे हैं। यह पे क्या करता है, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये यहाँ पे फिर हम लोग सप्लाई ऑफ वाटर करते हैं, वाटर को सप्लाई करते हैं चैम्बर सी में, तो एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर करते हैं और जो एयर है एयर का भी सप्लाई होता है। तो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रिक एसिड में। सो ये आपका कहाँ होता है, आपका चैम्बर सी में होता है। सो इन नाइट्रिक आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टू नाइट्रिक एसिड कैसे होता है, बाय एब्जॉर्प्शन इन वाटर, वाटर में एब्जॉर्ब करता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, एक्सेस एयर के प्रेजेंट में वाटर को एब्जॉर्ब करता है और वाटर को जब एब्जॉर्ब करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रिक एसिड में। ये था हमारा जो लास्ट, और यहाँ से हम लोग फिर नाइट्रिक एसिड को यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। तो एग्जाम में आपका सिर्फ और सिर्फ आपको ये रिएक्शंस होगा, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री पूरा रिएक्शंस पूछता है, नहीं तो ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन हम लोग देख रहे हैं आपको कैटलिस्ट चैम्बर में क्या क्या कंडीशन है, ऑक्सीडेशन चैम्बर में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन टावर में क्या क्या हम यूज़ कर रहे हैं, वाटर और ऑक्सीजन को हम लोग दे रहे हैं एक्सेस एयर में, यही सर पूछता है। इसका पूरा कंस्ट्रक्शन आपका जो है
वो आपको नहीं होगा। तो आप इसको क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दैट इज इनफ फ्रॉम ऑसवाल प्रोसेस। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड देखेंगे, तो केमिकल प्रॉपर्टी में आपका जो स्कोप ऑफ द सिलेबस है वो नाइट्रिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिएक्शंस विद कॉपर कार्बन एंड सल्फर, यही बस है, इससे ज़्यादा और कोई रिएक्शंस आपका सिलेबस में नहीं है। तो हम उसी को ही बेसिकली देखते हैं, स्कोप ऑफ द सिलेबस से ज़्यादा बाहर टच नहीं करेंगे। चलिए उससे पहले हम देखते हैं कि आपका एक्शन ऑन लिटमस पेपर क्या होता है। ये तो कॉमन है, हम लोग HCl में जो पढ़े थे वही पूरा कॉमन होगा। तो आपको पता है लिटमस पेपर क्या होता है, मॉइस्ट लिटमस, लिटमस क्या होता है, ब्लू से रेड में कन्वर्ट होता है। हम बार बार आपको बताए ABR, एसिड टर्न ब्लू टू रेड, तो एसिड जो है आपका ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। और HCl में भी पढ़े थे मिथाइल ऑरेंज, जिसका कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है, वो क्या होता है आपका एसिडिक सॉल्यूशन में पिंक में कन्वर्ट हो जाता है, और बेसिक सॉल्यूशन में आपको येलो में कन्वर्ट हो जाता है। एम्फेनोफ्थेलिन आपको पता है कलरलेस होता है, या आपका एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस ही रहता है, लेकिन अगर बेसिक सॉल्यूशन रहता तो ये पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका एक्शन ऑन इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स में आपका क्या क्या आपका काम, उसमें कलर चेंजेस होगा। नाउ जो केमिकल प्रॉपर्टीज, जो बेसिक आपका स्कोप ऑफ द सिलेबस में है कि नाइट्रिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो आपका रिएक्शंस कॉपर के साथ, कार्बन के साथ एंड सल्फर के साथ, एक एक करके देखते हैं। हम पहला देख रहे हैं रिएक्शंस विथ कॉपर, कॉपर के साथ कैसा रिएक्शंस करता है। तो कॉपर के साथ ये दो टाइप का रिएक्शंस करता है, पॉन्क अगर HNO3 देंगे तो एक अलग रिएक्शंस हो रहा है, डायल्यूट HNO3 देंगे तो एक अलग रिएक्शंस होगा। तो हम पहले देखते हैं पॉन्क H2SO4 HNO3 दे रहे हैं तो क्या रिएक्शन करता है। When copper react with conc HNO3, it form copper nitrate, water and nitrogen dioxide. ये आपका conc के साथ है। चलिए इसको balance करना है सर, तो balance कैसे करते हैं, यहाँ पे 4 लिखते हैं, तो आपका यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो जा रहा है। चलिए और hydrogen देखिए, यहाँ पे 2 दे देते हैं, hydrogen 4 हो गया, nitrogen 4, nitrogen 2 and 2 4, oxygen देखिए 2 and 3 12, 4 × 3 = 12 हो रहा है, 6 2 एंड यस एंड कॉपर। चलिए ये आपका बैलेंस रिएक्शंस हो गया, हम लोग को करते करते आदत हो गया कि 4 होगा यहाँ पे, आपको भी प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा कि यहाँ 4 देना है, यहाँ पे 2 देना है। चलिए उसके बाद अगर हम इसका देखें, डायल्यूट के साथ रिएक्शन करता है तो फर्क क्या है। देखिए डायल्यूट के साथ भी पूरा प्रोडक्ट वही है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड है, जो यही फर्क है। डायल्यूट के साथ आपको NO बनाता है और कॉन्क के साथ NO2 बनाता है, और कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए सर इसको बैलेंस करते हैं, तो देखिए बैलेंस तो आपको कर लीजिएगा, यहाँ पे 3 ये 8 देते हैं, ये एकदम हम लोग को प्रैक्टिस हो गया करते करते, तो ये 8 देंगे तो देखिए आपका क्या हो जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे 2 हो जाएगा, और उसके बाद हाइड्रोजन देखिए, ये हाइड्रोजन कितना है आपका, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। आप खुद से बैलेंस कर लेना, आपका पूरा यही प्रोसेस होगा। तो ये था आपका रिएक्शंस विद कॉपर, कॉपर के रिएक्शंस में सिर्फ आपको याद रखना है, व्हेन वी आर यूजिंग कॉन्ग HNO3 इट फॉर्म NO2, एंड व्हेन वी आर यूजिंग डाइल्यूट HNO3 इट विल फॉर्म आपका NO, बस। और इसका रिएक्शंस पूरा पूछता है एग्जाम में, ऐसे ही आप नोट डाउन कर लो। उसके बाद जो है आपका कॉपर को होने के बाद आपका है कार्बन के साथ रिएक्शंस। सो कार्बन के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हमारा क्या बनता है, रिएक्शंस विद कार्बन देखिएगा, कार्बन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे क्या बनता है, क्या है ये, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये आपका प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट। बेसिकली ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है ये बनता नहीं, ये बनता है कार्बोनिक एसिड, एच क्या है, CO3, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बोलते हैं जिसको, लेकिन ये वीक होने की वजह से ना ये अपने आप को डिकम्पोज कर लेता है, किसमें, CO2 और H2O में। देखिए ये कंबाइन करिएगा तो आपका यही आ रहा है कार्बोनिक एसिड। सो ये वीक होने की वजह से अपने आप को क्या करता है, फर्दर डिकम्पोज कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, एंड फाइनल जो आपका प्रोडक्ट होता है व्हेन कार्बन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सर इसको भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसको भी बैलेंस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 4 लिखते हैं, तो हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे 4 हो गया। चलिए नाइट्रोजन यहाँ पे आपको 4 कर देते हैं, नाइट्रोजन भी आपका ये 4 हो गया, एंड देन कार्बन ओके, ऑक्सीजन देखिए 12 हो रहा है, ये कितना हो गया 2, और ये 2
और ये आपका 8, दैट इज 12. तो ये बैलेंस आपका रिएक्शंस हो गया. सो ये था आपका कार्बन से आपका फाइनल प्रोडक्ट. देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, कार्बोनिक एसिड बनता है लेकिन फाइनली आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है. नाउ द लास्ट रिएक्शन, रिएक्शंस विद सल्फर, आपका जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब समझ रहे हैं ना, क्या है कि उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा. सो देखिए सब में CU में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ये देखिए कार्बन में भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, सल्फर में भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, या कहीं पर हाइड्रोजन को रिमूव किया जाएगा तो उसको ऑक्सीडेशन करते हैं और जो करवा रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं. तो यहाँ पर क्या नाइट्रिक एसिड बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता है. अब जो रिएक्शन है आपका रिएक्शन विद सल्फर, सल्फर का रिएक्शन करते हैं तो देखिए यहाँ पे जैसे कार्बोनिक एसिड बना था ना, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, क्या सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा. लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड तो वीक नहीं होता है तो ये ब्रेक नहीं होता है, लेकिन ये क्या था, वीक था, इस वजह से ब्रेक हो जा रहा था और डिकम्पोज होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना रहा था. तो ये स्ट्रांग होता है तो क्या बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है और क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है. सर इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के लिए देखिए हम लोग को याद हो चुका है सिक्स देंगे तो देखिए हाइड्रोजन कितना हो रहा है यहाँ पे, चलिए नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन इधर पे, चलिए इसको आप बैलेंस करिएगा तो देखिएगा आपका सल्फर, सल्फर ठीक है ओके. हाइड्रोजन देखो यहाँ पे टू दे दो हाइड्रोजन, आपका ये 2 and 4 6 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो गया. देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, 6 है, यहाँ पे 3 देते हैं, 3 देंगे तो कितना हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, आपका 6 दे दीजिए पूरा, चलिए पूरा 6 दे देते हैं, नाइट्रोजन भी 6 हो गया. और ऑक्सीजन काउंट करते हैं, देखिए 6 × 3 कितना हो जा रहा है, 18 हो रहा है, यहाँ पे 4 और ये आपका 2 4 and 2 6 एंड ये 12 18 ओके एंड सल्फर ये. तो ये था बैलेंस इक्वेशंस. तो यही आपका केमिकल इक्वेशंस, आपका केमिकल प्रॉपर्टी आपका नाइट्रिक एसिड का. इससे ज़्यादा सिलेबस में और कुछ नहीं है, हम पूरा आपको लिख दिए, इसी को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए. इससे ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टी करिएगा तो वो स्कोप ऑफ द सिलेबस के बाहर है. आपका इंटरेस्ट है तो आप करिए, आपका एक्शंस विथ मेटल वो भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारा जो है एक्शन विथ नॉन मेटल में और भी बहुत सारे रिएक्शंस, एक्शन विथ कार्बोनेट होता है, एक्शन विथ सल्फाइड होता है, वो सारा आप कर सकते हैं. लेकिन स्कोप ऑफ द सिलेबस में जो है यही सिर्फ है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है. टेस्ट फॉर नाइट्रिक एसिड देखेंगे, कोई एक सॉल्यूशन आपका नाइट्रिक एसिड है कि नहीं, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो इसके लिए देखिए सबसे पहला हम लोग करते हैं जो एक्शन ऑन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ हीट मतलब नाइट्रिक एसिड, कॉन्क नाइट्रिक एसिड को अगर हम लोग हीटेड करते हैं, आपको पता है ये क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर और ऑक्सीजन में क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है. और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है उसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो अगर हम कॉन्क HNO3 को अगर हम हीट कर रहे हैं, हमें पता नहीं था हमारे पास दो सॉल्यूशन, मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड HCl और HNO3, हम तीनों को हीट करेंगे जिससे आपको रेडिश ब्राउन फ्यूम नजर आएगा, समझ में आ जाएगा वो क्या है, आपका HNO3 है. तो क्या होता है, रेडिश ब्राउन फ्यूम ऑफ NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इवॉल्व, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो जो आपका एसिड है या वो जो सॉल्यूशन है वो नाइट्रिक एसिड है. दूसरा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्राउन रिंग टेस्ट. एक्चुअली देखिएगा ये आपका जो सिलेबस में नाइट्रिक एसिड का सिलेबस में नहीं दिया, लेकिन आपका जो लास्ट चैप्टर है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वो, और प्रैक्टिकली हम लोग प्रैक्टिकल जब करते हैं वहाँ देखते हैं, तो वहाँ से ये चीज़ पूछता है. हम लोग सोचते हैं नाइट्रिक एसिड से पूछ रहा है, नाइट्रिक एसिड का सिलेबस ऑफ द स्कोप ऑफ द सिलेबस में ब्राउन रिंग टेस्ट है ही नहीं, ठीक है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं ये. तो इस ब्राउन रिंग टेस्ट के लिए हम लोग करते क्या है, हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में, इसको टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, उसमें हम लोग नाइट्रिक एसिड लेते हैं, मतलब सैंपल लिया, उसमें हम लोग FeSO4 क्या फेरस सल्फेट लेंगे और क्या लेंगे, कॉन्क H2SO4, ये तीनों को मिक्स करेंगे. और मिक्स करने के बाद ये सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कूल करेंगे वाटर के जरिए, थोड़ा देर के लिए आप कूल कर दिए. उसके बाद थोड़ा देर छोड़ने के बाद क्या होता है ना, यहाँ पे दो डिफरेंट आपका लिक्विड फॉर्म होता है और बीच में एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, एक रिंग फॉर्म हो जाता है, ऊपर में एक लिक्विड हो जाता है, नीचे एक लिक्विड हो रहा है और एक बीच में मिडिल में एक रिंग फॉर्म हो जा रहा है. तो वो कलर उसका ब्राउन होता है, इसी वजह से इसको हम लोग ब्राउन रिंग बोलते हैं, ठीक है. तो ऊपर में जो सॉल्यूशन है वो कौन सा रहता है, FeSO4 रहता है, नीचे जो रहता है वो कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड रहता है, और ये जो ब्राउन रिंग हो रहा है वो क्या है, FeSO4.NO, इसका नाम क्या होता है, नाइट्रोसोफेरस मतलब आयरन
टू सल्फेट, नाइट्रोसो आयरन टू सल्फेट होता है। तो ये आपका इधर से पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन पिछले दो तीन साल पहले देखा था मैं, पूछा था कि ये आपका जो ऊपर हो रहा है वो सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन है, नीचे जो है वो कौन सा सॉल्यूशन है, या ब्राउन रिंग जो बन रहा है उसका फॉर्मूला बताइए, उसका नाम बताइए, तो यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपको प्रैक्टिकली टेस्ट के लिए पूछे तो ये दोनों लिख दीजिएगा, दैट्स एनफ। सो ये पूरा था आपका नाइट्रिक एसिड। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स राइट ऑन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर यू। थैंक यू।